बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं कैसर खान। आपको मैंने लास्ट वीडियो दी न्यू ब्रंसविक की और वो आपको क्रिटिकल वर्कर के हवाले से थी, तो उसी के अंदर मैं आपको अब एक और सूबे की एक और वीडियो दे रहा हूं और ये भी 100% फ्री है। और अगर आप कहते हैं कि ये फ्री है तो ये हम कहाँ देख सकते हैं, आपकी बातों को कहाँ से वेरीफाई करें, ये तमाम चीज़ें, तो आप क्यूबिक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cubic.ca, बहुत आसान है ना, cubic.ca, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम RSWP मिल जाएगा। इसको आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट जा सकते हैं इसके ऊपर। आपको ये अबाउट द रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, कंप्लीटिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन इमिग्रेशन क्यूबिक, इन्विटेशन टू सबमिट अ परमानेंट सिलेक्शन एप्लीकेशन, अप्लाइंग फॉर परमानेंट सिलेक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ यूर परमानेंट सिलेक्शन एप्लीकेशन, After receiving your certificate, deselection, CSQ, cubic selection certificate, उसके बाद, यानी कि आपको उन्होंने तमाम स्टेप बता दिए हैं, कुछ बाहर नहीं है, इंतहाई आसान हो जाता है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ें और उस पर अमल करें। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको ये तमाम बातें इंतहाई आसान जबान में, मैं उनकी जबान में बात नहीं करूंगा क्योंकि कुछ लोगों को मेरा ये पढ़ना ही अच्छा नहीं लगा होगा, तो मैं आपको बिल्कुल आसान स्लीस उर्दू में बताऊंगा कि ये तमाम चीजें क्या कहना चाहते हैं ये लोग आपसे। इस प्रोग्राम में आपकी फीस कितनी लगने वाली है क्यूबिक की तरफ? जीरो। ये प्रोग्राम फ्री है, आपकी प्रोफाइल जो है वो फ्री सबमिट होगी, उसके कोई चार्जेस आपसे क्यूबिक नहीं लेगा। क्या आपको इसके लिए कोई वर्क परमिट चाहिए? नो, नो वर्क परमिट, कोई शर्त नहीं है। तो फिर क्या चाहिए उनको, क्या चाहिए, क्या मांग रहे हैं? देखें, मैं आप आखिरी में बात करूंगा लेकिन मैं आपको बता दूं स्टेप बाय स्टेप इसका वो सिस्टम समझ लीजिए कि नंबर वन, वो आपसे कोई आइल्स का टेस्ट भी नहीं मांग रहे। वो आपसे ये भी नहीं कह रहे कि जी आइल्स करके आ जाओ या कोई फ्रेंच लैंग्वेज करके आ जाओ। क्यूबिक के अंदर 50% लोगों को ऐसे हैं जिनको फ्रेंच समझ में आती है, 50% इंग्लिश है, और 100% ऐसे हैं जिनको दोनों जबानों में कुछ ना कुछ बोल लेते हैं वो लोग, ठीक है ना, आपस में बोल लेते हैं। तो आप लोगों को अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कम से कम आपको YouTube की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर आप ये वीडियोस देखते हैं और आपका रुझान कनाडा की तरफ होता है कि यार मेरा, इस तरह लोग कहते हैं मुझे काउंसलिंग होती है तो कहते हैं मेरा ड्रीम है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी जिद है, तो भाई फिर उस जिद को पूरा करने के लिए आपने क्या किया, ठीक है ना। ये बातें जो है ना आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। ये प्रोग्राम अगर आप इसको पूरा सुनेंगे ना, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा ही कि ये लोग जो है ना ये अपने काम की बात कर रहे हैं। मतलब दे नीड अ नीडफुल पीपल, दे नीड अ स्किल्ड वर्कर्स, दे नीड स्पेसिफिक पीपल्स फॉर स्पेसिफिक पॉइंट्स। वो कहीं गैप हैं उनके पास, क्यूबिक में गैप्स हैं। आप कहते हैं क्यों गैप्स हैं? यार आपस की बात ये है कि हम भी तो इग्नोर करते हैं ना। ये मेरी जो वीडियो है क्यूबिक के ऊपर, जो चैनल को देख रहे हैं, कम से कम मेरा ख्याल है कोई 4 साल के बाद मैं बात कर रहा हूँ, तो लिहाजा भी इग्नोर होते हैं। और वो लोग कहते हैं कि जी हम भी कनाडा का हिस्सा हैं, तो फिर हम शर्मिंदा हो जाते हैं। हाँ, हिस्सा तो है वैसे, कनाडा का हिस्सा तो है, लेकिन पावर सबसे ज़्यादा क्यूबिक के पास है। बाहर आगे चलते हैं, सूबों के हवाले से आगे चलते हैं। आप कहते हैं एज लिमिट है कोई? देखें, एज लिमिट कि आगाज तो मौजूद है, नजर आता है जब आप पढ़ेंगे इसको RSWP को, कि कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए, 18 साल, ठीक है। ब्रंसविक की कितनी है? 19 से 55। यहां पर क्या है, 18 से कोई लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। फ्रॉम क्या लिखा हुआ है? 18 साल। ओके, आप कितनी उम्र की भी हो वो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि आपको पॉइंट पूरे करने हैं। पॉइंट कैसे मिलेंगे आपको, ये देखिएगा कि आपको अपनी असेसमेंट करनी है। असेसमेंट आप खुद भी कर सकते हैं, हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, मैं हाजिर हूं पर्सनली आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आप लोगों की जो एजुकेशन है, यहां पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तकरीबन मैक्सिमम 26 पॉइंट मिल सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको 8 पॉइंट मिल सकते हैं। एज के आपको ज्यादा से ज्यादा 16 पॉइंट मिल सकते हैं। 35 साल तक बड़े 6 पॉइंट मिलते हैं, उसके बाद फिर पॉइंट गिरना शुरू होते हैं। लैंग्वेज के आपको 22 पॉइंट मिल सकते हैं, अगर आपने, ये कंडीशन है ना, अगर यहां लिखा हुआ इफ, तो अगर आपने पास किया हुआ है आइल्स वगैरह या कोई फ्रेंच में किया हुआ है तो आप दे सकते हैं, वरना आपको 22 पॉइंट मिल सकते हैं, वरना आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे, आप उसको सबमिशन करवा सकते हैं। प्रेफरेंस जो उन्हीं को मिलेगी, जो लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं। और फिर आपको 17 पॉइंट या फैमिली के मिलेंगे। अच्छा, आप कहते हैं जी फैमिली का क्या होता है? फैमिली का
आपके बच्चे, उनकी एज, उनकी तालीम, आपकी बीवी, उनकी तालीम, उनकी एज, तमाम चीजें, ये तमाम चीजें काउंट होती हैं आपकी प्रोफाइल के साथ, ठीक है ना। इस तरह आप लोग कमेंट करते हैं ना कि आई एम MBA व्हाट अबाउट मी, या आई एम ग्रेजुएट व्हाट अबाउट मी, या कोई अनपढ़ जा सकता है, ये कमेंट आते हैं, उन लोगों को हम क्या जवाब दें? क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये तमाम चीजें, ठीक है ना, जब आपने कहा कि आई एम MBA तो बाकी तो खामोश हो गया मामला। उसके बाद आपके तमाम डॉक्यूमेंट जब हमारे टेबल पे आएंगे, या उनकी डिटेल हमारे टेबल पे आएगी, मतलब आपकी फैमिली का FRC आएगा या उसकी डिटेल आएगी, या आपका MRC आएगा उसकी डिटेल आएगी, आपकी वाइफ का डिटेल आएगी, आपके बच्चों की डिटेल आएगी, फिर आपकी डिटेल आएगी, फिर हम उन तमाम चीज़ों को आपस में मिलाकर स्कोर निकालेंगे तो कुछ बताएंगे आपको कि वो क्या है। अब आप चाहें तो आप उसकी रिकॉर्डेड असेसमेंट खाली ले लें, आप चाहें तो आप लाइव कॉल पर ले लें मेरे साथ, आप चाहें तो वीडियो पर ले लें, कुछ चीज़ दिखानी हो या बात करनी हो फेस टू फेस तो आप ले सकते हैं, तो मैं आपको, हम भी आपको असिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये असेसमेंट जो है ये cubics.ca पर अवेलेबल है, अपने अपनी फाइल लेके बैठिए, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको YouTube के वीडियो कमेंट में मैं नहीं डाल सकता ना, बहुत आपको भेजना बहुत कुछ है, मैंने बताना बहुत कुछ है। जब तक आपके डॉक्यूमेंट हमारे ऑफिस में ना आ जाएं और उसके ऊपर समरी जो है वो लिख ना दी जाए और कमेंट ना हो उसके ऊपर चार लोगों के, तब तक मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि बंदा किस कितने पानी में है। अच्छा, आप ये सवाल कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा स्कोर इतना कम आपको लगे, क्योंकि वहां उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, कि हम फिट नहीं बैठ रहे या हम बेहतर नहीं है फॉर क्यूबिक, तो फिर मैं आपको दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन जरूर दूंगा, जितने ऑप्शन आपकी जात के ऊपर लगते होंगे, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मतलब बिकॉज ऑफ चाइल्ड, बिकॉज ऑफ वाइफ, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ ट्रेवल हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ एनी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको आपका रिजल्ट बताऊंगा काउंसलिंग के जरिए कि आप क्या करें तो बेहतर ज्यादा होगा। अच्छा, आप कहते हैं क्या करें, अब ये करें कि आप जब इस तमाम चीज को कलेक्ट कर लें तो आपको उनकी ऑनलाइन पोर्टल पे आना है, अरीमा, ठीक है, अरीमा आपको साइट नजर आ रहा होगा, ये पोर्टल है, वहां आपको आना है और आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो जनरेट करनी है, क्रिएट करनी है, सबमिट करनी है, ठीक है। कमिट सब हो गई, सबमिट, अब जब सबमिट हो गई तो यू हैव टू वेट फॉर दैट कि वो क्या रिजल्ट देते हैं आपको, और आप कहते हैं कि जी वो रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो याद रखिएगा आपको नॉर्मली कंसल्टेंट जो है मैं देखता हूं कि 3 साल के बाद भी कह रहे होते हैं कि जी वेट करें। मामला ये है कि हर प्रोफाइल, तकरीबन ऑलमोस्ट हर प्रोफाइल जो मेरे इलम में है, वो 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाती है, ये प्रोफाइल भी 1 साल के बाद एक्सपायर होगी। गो के ये बिल्कुल फ्री है, ये इसको कोई चार्जेस नहीं है, मगर ये एक्सपायर होगी और आपको दोबारा इसको क्रिएट करना होगा, दोबारा भरना होगा, डिटेल देनी पड़ेगी ताकि आपकी जो प्रोफाइल, अच्छा भाई आप कहते हैं कौन अप्लाई करें, मैं कहता हूं सब अप्लाई करें, जरूर अप्लाई करें, माले मुफ्त को दिल बेरहम कीजिए, जरूर अप्लाई कीजिए, हो सकता है आपका नाम निकल आए, आपके पास क्यूबिक से ईमेल आ जाए, और हमें क्या ही प्राउड होगा कि हम आपके लिए वो उसको प्रोसेस करें, आपको आपको खुशी, आप खुद भी कर सकते हैं वैसे, और हम आपके लिए प्रोसेस करें और उसको जनाबे वाला आपके पास क्यूबिक का जो है वो एक जाने का रास्ता खुल जाए और आप फ्लाई कर जाएं। किस बेस के ऊपर, कि आप एक अच्छे स्किल्ड वर्कर हैं। अब आप कहते हैं स्किल्ड कौन सा, यार बात यह है इंसान काम सारे करता है, कोई ना कोई काम तो आप करते हैं ना, तो जो आप काम करते हैं उसको स्किल्ड कहते हैं, तो दुनिया कोई ऐसा आदमी नहीं है जो स्किल्ड वर्कर ना हो, हर आदमी स्किल्ड वर्कर है, किसी के पास क्या स्किल है, किसी के पास क्या स्किल है, हर बंदे के पास अपना अपना एक स्किल है, ठीक है। अब उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लिए वो काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास जो स्किल है उसको सामने लाइए, उसका सबूत इकट्ठे कीजिए, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, आपके पास जो भी उससे जुड़ी चीज़ें हैं, अवार्ड लिया हुआ है, कोई गोल्ड मेडल है, कोई क्या है, कोई क्या है, जो भी आपके पास है उसको शामिल कीजिए और अपनी प्रोफाइल को शानदार बनाइए, VVIP बनाइए, खुद बनाइए, हमसे बनवाइए, मगर बनवाइए। मैंने कहा कि उसके अंदर आपको कौन सा कोई ऐसा कोई $10,000 या $15,000 लगने वाले नहीं है, तो आने दीजिए उनके ईमेल को और उसके बाद जो है आपकी सबमिशन होगी। अगर आप उसे एक्स्ट्रा पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आपको बस ख्याल ही करना होता है कि आप बैंक के डिफॉल्टर ना हो, जनरल बात कर रहा हूँ हर प्रोग्राम के लिए, आपके ऊपर एक्टिव FIR ना हो, हो तो वो ख़त्म हो चुकी हो या सेटलमेंट हो चुका हो, ठीक है ना, इस किस्म की बातें, और ऐसी कोई बीमारी ना हो कि जो किसी को लग सकती है आपकी जात से, उसको आप, उसको हम अपनी जबान में ओवरसीज वाले कच्चा मेडिकल कहते हैं, तो कच्चा मेडिकल करवा लें अपना, उसके बाद हम आपसे जो मेडिकल करवाएंगे उसको आप पक्का मेडिकल कहिएगा, ठीक है। हमारी जो भी
टीम है, जो भी हमारी कंपनी है, दे विल असिस्ट यू फर्दर. अगर आपको चाहिए हो कि आप में अपनी प्रोफाइल बनवानी हो या काउंसलिंग करवानी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली ऑन नंबर्स, ऑन गिवन नंबर्स. अब नंबर्स कहाँ मिलेंगे आपको हमसे रब्ता करने के लिए? फर्स्ट कमेंट से ले लीजिए, नंबर दिए हुए हैं, बताइए उनको प्रोफाइल बनवानी है या मुझसे बात करनी है या वीडियो बात करनी है, जो भी है. और या फिर आप डायरेक्ट प्रोग्राम में आ सकते हैं, जरूरत नहीं काउंसलिंग. अगर इफ यू आर ओके विद, आपने तमाम डॉक्यूमेंट भेजिए, बोलेंगे जी मुझे सबमिट करवाना है, खत्म बात हो गई, कर सकते हैं. अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़.